ये देखिए आप, ये एक फिट के केजेस हैं जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। इसमें अलग अलग शेप साइज मिल जाएंगे आपको, हट शेप हो गया, ठीक है, जैसे आप ये हट शेप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप हो गया आपका, फिर जब मैं वहाँ चलूँ तो आपका ये कर्व शेप हो गया। तो मतलब तीन चार पैटर्न आप देख पा रहे हैं, अलग अलग कलर मिल जाएगा। करूँ तो हमारा माउस केज और हैमस्टर केज भी है, जो कस्टमर काफ़ी परेशान होता है, मुझे मिल नहीं रहा गिनी पिग केज या हैमस्टर केज, तो अगर आप यही चीज़ अमेजोन पर देखते हैं तो चार गुना कीमत अमेजोन हमसे वसूलता है। हमारे यहाँ का प्राइस है 1000 रुपीज़ ओनली, और ऊपर वाले की बात करूँ तो 950 रुपीज़, ठीक है। वो माउस का है बेसिकली, और हैमस्टर भी रखते हैं उसके अंदर बेसिकली, लिखा हुआ भी है। और ये तो बहुत ही सुंदर है, जैसे देखिए आप, इसका अंदर हैंडल भी है, इजीली पकड़ सकते हैं इसको अपन। फिर बात करूँ मैं इसको, इसके अंदर भी होल्स हैं, देखिए आप ये जितने भी सारे आप होल्स देख पा रहे हैं इजीली, ये देखिए आराम से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा इसके अंदर, दो बर्ड्स तीन बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल में, और पिछले वीडियो में आपने देखा जो भी केजेस थी उनकी वैरायटी और जो भी उनका कॉस्ट था, और ये वीडियो हमारा रहेगा एसेसरीज और बर्ड फूड पे। तो व्यूअर, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पेट शॉप के ऑनर जय भाई, तो जय भाई से बात करते हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे जितनी भी एसेसरीज हैं इसको कवर करेंगे आज, और बर्ड फूड को कवर करेंगे। तो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो जय भाई, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो आप दिखाने वाले हैं? बेसिकली देखो, एसेसरीज में तो बहुत सारी एसेसरीज हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी अपन लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएं। तो जिन कस्टमर्स को अगर लोएस्ट रेंज में चाहिए, प्लास्टिक टॉयज चाहिए, प्लास्टिक एसेसरीज चाहिए, रिंग्स चाहिए, ठीक है, स्टिक्स चाहिए, तो वो सब अवेलेबल है अपने पास। और वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई कस्टमर कस्टमाइज टॉय चाहता है तो उसको अपना 5 से 6 पीसेस का ऑर्डर देना होगा, और विद इन अ लिमिटेड डेज में अपन बना के दे देंगे सामने वाले को। हम भी खुद भी कहीं से बनवाते हैं, ऐसी बात नहीं मैं खुद नहीं बनाता, तो हम खुद भी कहीं से बनवाते हैं, तो जैसा आप चाहोगे वैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम आपको वो दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को इतने ऑप्शंस के बाद भी ऐसा लगेगा कि यार मेरी कस्टमाइज साइज बनाओ, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर की नीड्स को पूरी पूरा कोशिश करनी करी है हमने कि वो चीज़ हम कवर कर पाएं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जितनी भी रेंजेस हमारे पास हैं, अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे आर्य भाई, तो ये देखिए सर्कुलर रिंग्स हैं, ये गोल सर्कुलर रिंग्स हैं, इसमें बज्जीज और फिजेस बहुत शौक से बैठती हैं, और बेसिकली ये आपका ओवल रिंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी रिंग्स कवर होती है बेसिकली। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये 45 रुपीज़ की पड़ती है अपन को सर्कुलर रिंग, काफ़ी हैवी है, बर्ड्स को कुतर नहीं पाएंगी ईजिली, ठीक है। अगर मैं बड़ी रिंग की बात करूं तो ये 55 रुपए की पड़ेगी, 55 रुपीज़ ओनली। तो फिर मैं बात करूं यहाँ पे वुडन अपना झूले की, तो ये अपन को पड़ेगा 140 रुपए, 140 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूं तो देखिए, ये अपना जो नारियल अपन घर में खाते हैं ना, उसका बनाया हुआ है, देखिए बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करें थोड़ा बड़े टॉय की, तो ये देखिए बड़ा टॉय ये रहा, फिर ये और बड़ा टॉय मकाऊ वगैरह के लिए, ठीक है। तो काफी सारे टॉयज हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये लैडर है, बेसिकली ये नीम के पेड़ की बनाई हुई है बेसिकली, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब है ना, बर्ड्स अगर कुतरती हैं बाई चांस या चोंच मारती हैं तो बर्ड्स को हार्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं टॉयज ये। अब देखिए ये आप जैसे देखिए कि कई बर्ड्स क्लाइंब करने की कोशिश करती हैं, तो ये क्लाइंबिंग के लिए बेसिकली है, ठीक है। देन मैं बात करूँ अपने लैडर के लिए, तो ये बिग लैडर है बेसिकली, बड़े बड़े पैरेट्स के लिए, देखिए कितना बड़ा लैडर है ये। अब कई कस्टमर बोलते हैं भैया हमारे पास अगर बज्जी से छोटा लैडर चाहिए, आपको छोटा लैडर भी मिल जाएगा, ये देखिए आप, ये कितना छोटा सा लैडर है देखिए ये, तो छोटे से लेके बड़ा सब टॉयज अवेलेबल है ये देखिए, ये बज्जीज के लिए, फिंचेस के लिए, क्लाइंब करने के लिए बेसिकली, क्योंकि बर्ड्स को कभी कभी मुंह में चोंच में रहता है ना, तो वो चोंच मार के अपना चोंच को सही करने की कोशिश करती हैं, तो उसके लिए है बेसिकली ये। देन ये देखिए जो बड़े टॉयज आप देख पा रहे हो, ये बड़े बड़े बर्ड्स के लिए, इंडियन रिंग नेक हो गया बेसिकली ये, ठीक है, या मकाऊ के लिए हो गया, आराम से क्लाइंब कर सकते हैं, बहुत बड़ा है साइज में, आप देखिए। देन कई कस्टमर्स के बड़े बड़े पैरेट्स होते हैं, तो बड़े बड़े टॉयज भी हैं मेरे पास, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं जो बड़े साइज के पैरेट हैं उनके एसेसरीज की। तो जय भाई, बड़े साइज के पैरेट के लिए कौन सी एसेसरीज है जो आपके पास अवेलेबल है? देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बड़े बड़े साइज में, तो ये बेसिकली क्या बड़े पैरेट्स के लिए होता है। बेसिकली बड़े पैरेट्स उतरते हैं, क्लाइंब करते हैं, मस्ती करते हैं, तो इसमें भी देखो नीम का रॉड ही अपन ने यूज किया है, जो नीम का पेड़ होता है ना उसका अपन ने वो यूज किया है, तो वुड काफी अच्छी क्वालिटी का है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इससे देखिए ट्राइंगल्स हैं, बड़े बड़े पैरेट वगैरह अफ्रीकन ग्रे पैरेट वगैरह बहुत इजीली बैठते हैं इस पे। देखिए कितना अच्छा आराम से ट्राइंगल है, काफी बड़ा शेप है, ठीक है। और ये बेसिकली अपना 25 इंचेस के लिए रहता है, बेसिकली 25 इंचेस के लिए। देखिए ये देखिए, अगर बात करूं अफ्रीकन ग्रे पैरेट, मकाऊ पैरेट या कोई और बड़ा पैरेट, कितना बड़ा है साइज में, मतलब देखिए अपना जो हैंड होता है उसका पूरा कवर अप हो रहा है, इतना बड़ा साइज है और काफी मजबूत है। जो वुड का वेस्ट मटेरियल होता है ना स्क्वायर वगैरह, उससे प्रॉपर कलरिंग की जाती है। अच्छा कलर भी नॉन टॉक्सिक वाले यूज किए जाते हैं जिससे कि इनको हार्म ना पहुंचे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। इसका रेंज अगर मैं बताना चाहूँ तो 300 के आसपास रहता है, और यही चीज़ अगर आप अमेजोन पे देखते हैं तो आपको 1000 के ऊपर मिलेगा, और क्वालिटी गारंटी है, वुड टूटता उसकी गारंटी है। देन बात करूँ इसी का सर्कुलर रूप में, ये सर्कुलर रूप में देखिए आप, तो काफी इसका भी काफी अच्छा क्वालिटी है देखिए आप, पर इसमें अपन ने नेचुरल नीम यूज कर ली, कहने का मतलब उसमें वुड यूज किए थे सारे, इसमें नेचुरल अपन ने वुड यूज किया नीम वाली, ठीक है। ये बजीज और फिंचेस के द्वारा पसंद किया जाने वाला टॉय है और लवबर्ड भी काफी पसंद करते हैं। इसमें अपने 5-6 वैरायटी है। मैं रेंज की बात करूँ तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं जिसमें मोटे मोटे मोती लगे हुए हैं, ये 140 रुपीज का है, मैं रिटेल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसकी बात करूँ तो प्रॉपर वुड की बिडिंग्स लगी हुई हैं, ये 130 रुपीज का है ओनली, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसमें भी वो काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें आप देख पा रहे हैं जो मैंने रख रखे हैं इसके अंदर केजेस के अंदर, आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए आप पतली पतली बिडिंग वाली हैं चीज़ें काफ़ी सारे हैं ये, तो इसका भी रेंज समथिंग यही है 130 से लेके 150 के बीच में। ये लैडर भी है देखिए, ये सारी बर्ड्स बेहद पसंद करती हैं लैडर्स वगैरह, चढ़ती हैं उतरती हैं, तो ये चलता रहता है प्रोसेस, कहने का मतलब। तो जय भाई मैं अगर बात करूँ इनकी प्राइजेस की, तो प्राइजेस क्या है इन सब ऐसे? देखिए जो स्टार्टिंग में अपन ने सर्कुलर रिंग्स की और ओवल रिंग्स की बात की थी, तो 50-60 रुपए से शुरू होके 80-90 तक जाती हैं। देन और टॉयज अपन ने देखे थे नीम वगैरह के, वो 100-150-200 के बीच में है। फिर मैं बात करूँ बड़े पैरेट्स के लिए जैसे मकाऊ अफ्रीकन ग्रे, तो उनका जो रेंज स्टार्ट होता है वो 250 से लेके 800-900 के टॉयज हैं अपने पास, वो सारे कवर अप अपन ने करे हैं और भी हैं जो मैं दिखा सकता हूँ। तो व्यूवर्स ये थे टॉयज जो कि छोटे पैरेट से लेके बड़े पैरेट के हैं सारे, और देख सकते हैं सारे रियल वुड से बने हुए हैं, कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। ये देखिए बहुत सारे कस्टमर्स जब आते हैं मेरे से बर्ड्स वगैरह लेने शॉप पे यहाँ पे, तो वो बड़ा परेशान होते हैं जब या कार्टून में दे दो, तो कार्टून से बजाय अगर हम कुछ ट्रैवलिंग केज की बात करूँ या ट्रैवलिंग टोकरी की बात करूँ तो उसमें 2 आराम से आ सकती हैं बर्ड्स। ये देखिए इसमें आराम से ट्रांसपेरेंसी आराम से इवन प्रॉपर तरीके से, तो ये प्रॉपर सेट हो गया, आराम से 2 बर्ड्स कंफर्टेबली जा पाएंगे इसके अंदर। सेम इसी पैटर्न में इसको रेक्टेंगल पैटर्न भी है देखिए, इसमें भी जालियां बनी हुई है काफ़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रॉपर हवा पास होगी क्योंकि कार्टून में हवा पास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया अपना बेसिकली। ये काफ़ी पैटर्न आजकल नया है मार्केट में, काफ़ी अच्छा चल रहा है देखिए आप, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे होल्स हैं, ईजिली हवा पास होगी, मैं कहता हूँ कार्टून में इतनी हवा पास होगी जितनी इनमें पास होगी। कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ओनली 70 रुपीज़, ठीक है। इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ओनली अपना 50 रुपीज़, इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ओनली 50 रुपीज़, तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये तो बहुत ही सुंदर है, जैसे देखिए आप इसका अंदर हैंडल भी है, इजीली पकड़ सकते हैं इसको अपन। फिर बात करूँ मैं इसको, इसके अंदर भी होल्स हैं देखिए आप, ये जितने भी सारे आप होल्स देख पा रहे हैं इजीली, ये देखिए आराम से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा इसके अंदर, 2-3 बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और प्राइस की बात करूँ तो उसका ओनली 90 रुपीज़ प्राइस है। तो व्यूवर्स देख सकते हैं जो बकेट अपन ट्रैवल के टाइम ढूंढते हैं, मार्केट में भटकते हैं, तो अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक कॉल कीजिए जय भाई को और बल्क में मंगवा के रख लीजिए। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी ड्यूरेबल है और अलग अलग साइज़ और वैरायटी की हैं। अगर कोई कस्टमर अगर क्वांटिटी में डील करना चाहे कि मुझे जय भी है 12 पीस चाहिए, तो मान के चलिए काफ़ी दाम कम होगा। ये जो मैंने दाम पहले बताया था वो रिटेल का दाम था, यानी रिटेल का प्राइस था। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो सब कम से कम 12 पीस लेने पड़ेंगे, और क्वांटिटी लेते हैं तो प्राइस डेफिनेटली कम होंगे, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स देख सकते हैं भाई ने होलसेल का भी आपको सिस्टम बता दिया, अगर क्वांटिटी में अगर बाय करते हैं
तो प्राइजेज आपको बहुत बहुत कम मिल जाएगी। तो देख सकते हैं क्या क्या वैरायटी है। देखिए यहाँ पे कई जो व्यूअर्स हैं वो जब केजेस खरीदते हैं हमसे तो उनका सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है, भैया कल को कटोरी टूट गई या कटोरी गुम हो गई या इधर उधर हो गई तो दोबारा कटोरी मिल पाएगी क्या? तो पॉसिबली मेरा आंसर यस है, पर हर टाइप की कटोरी मिल पाए तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन हैं, आप एडिशनल कटोरी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी बड़ी कटोरी है, 300 ml इसके अंदर पानी आ सकता है आराम से, इतनी बड़ी साइज में कटोरी है। देन अगेन ये 350-400 ml कटोरी इसके अंदर आ जाएगी, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देन ये बहुत छोटा साइज़ है देखिए आप ये, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 25-30 rupees का कॉस्ट रहता है इनका, साइज़ ओवर साइज़ मैटर करता है। ये 30 rupees की है देखिए आप, ये 40 rupees की कटोरी है देखिए आप, ठीक है, क्वालिटी देखिए आप, जो पिंजरों में थी वही क्वालिटी है। ये जो है बेसिकली एज अ फीडर यूज़ होता है, इसके अंदर मिरिंडा की बॉटल, नॉर्मल पानी की बॉटल लग जाएगी और इसके अंदर आपका पानी आ जाएगा, आराम से पानी आ जाएगा फीड, अगर आप दाना पानी डालते हैं तो वो भी आ जाएगा। देन ये बात करूँ फीडर है, इसको स्मॉल फीडर बोलते हैं, ये पिंजरों में आराम से लटक जाएगा। देखिए ये 350 ml का है, कॉस्ट है इसका 90 rupees ओनली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 500 ml है, पानी और दाना दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉस्ट है 140 rupees। और ये बड़े बड़े फीडर्स हैं, जैसे कोई NGO वाला कॉन्टैक्ट करता है कि भैया हमें पेड़ में लगाने हैं, या जिनकी बड़ी बड़ी एवरीज होती हैं, रोज़ पानी चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उनके लिए सजेस्ट करता हूँ ये बेस्ट है, इसमें 1 liter पानी पूरा इसके अंदर आ जाएगा।